हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि मैम एमएचटी सीईटी 2024 के ऑफिशियल डेट्स अनाउंस हो गए हैं क्या, तो आपके इसी क्वेश्चन का सलूशन और आंसर मैं लेकर आई हूँ। और बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि मैम ये जो 50-50 वाला रूल है, ये 50-50 वाला रूल इसी साल के बच्चों के लिए अप्लाई होने वाला है 2024 के बच्चों के लिए, और ड्रॉप वाले बच्चों के लिए क्या चीज अप्लाई होने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी आपकी क्वेरी है, ये सारी क्वेरी का मैं आंसर दूंगी, बस इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहली बात, आपका जो एमएचटी सीईटी 2024 का ऑफिशियल डेट का अनाउंसमेंट है, जी हाँ वो हो चुका है। और ये जो डेट दी गई है, यहाँ पर जब आप जाओगे cetcell.mahaceet.org के वेबसाइट पे, तो आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। इस पेज में आपको इस पेज में आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें से ये जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, नोटिस फॉर टेंटेटिव स्केड्यूल फॉर ऑल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024-2025, यहाँ पर आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। यहाँ पर आपको आपका ऑफिशियल 2024-2025 का ऑफिशियल डेट दिया गया है। सो दिस डेट इज गोइंग टू बी योर एग्जाम डेट। यूजुअली क्या हो रहा था, जब लॉकडाउन लगा था तो एग्जाम आपके अक्टूबर में कंडक्ट हुए, फिर 2022 में सितंबर में कंडक्ट हुए, फिर अगस्त में, मतलब 2020 में अक्टूबर, 2021 में सितंबर, 2022 में अगस्त, और फिर ऐसे करते करते लास्ट ईयर हमारे एग्जाम मई में कंडक्ट हुए थे। और इस साल आपके एग्जाम जैसे पहले हुआ करते थे अप्रैल में, वैसे ही कंडक्ट किए जाने वाले हैं। लास्ट ईयर जो टेंटेटिव स्केड्यूल डिक्लेयर किया था, टेंटेटिव मतलब क्या होता है कि इसमें थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, तो लास्ट ईयर जो टेंटेटिव स्केड्यूल डिक्लेयर किया था उसी टाइम पे एग्जाम हुए थे। तो इस बार भी जो टेंटेटिव स्केड्यूल डिक्लेयर किया है, टेंटेटिव स्केड्यूल, इसी स्केड्यूल पे आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। मोस्टली यही डेट्स रहता है, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एक या दो दिन आगे पीछे डेट्स इसमें चेंज होते हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, जब आप यहाँ पर आके इस फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, ये देखो, यहाँ पे जब इस फाइल वाले ऑप्शन में आके आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पेज ओपन होता हुआ दिखाई देता है, ये ऐसा पेज ओपन होता हुआ दिखाई देता है। तो मैं आपको ये पेज बड़ा करके दिखा देती हूँ इधर पे। यस, ये है आपके ऑफिशियल डेट्स। अभी इधर अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज योर टाइम टेबल फॉर ईयर 2024-25। ये देखो, इधर साफ साफ हमको दिया गया है कि ये आपके 2024-2025 के लिए है। लुक, यहाँ पे आपको क्लियरली दिया गया है कि ये जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल 2024-2025 के बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर टाइमलाइन आ चुका है। जो बच्चे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको कौन सा सीईटी देना पड़ता है, एमएचटी सीईटी। तो आपको ये फाइल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, ठीक है। इस फाइल में जब आप थोड़ा नीचे नीचे जाओगे तो ऑप्शन नंबर 14, ये देखो, ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 14, ये आपका ऑप्शन है एमएचटी सीईटी। इस पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन मतलब आपके घर से नहीं होता है, वहां पे जाके आपको कंप्यूटर पे ये एग्जाम देना पड़ता है। और इस एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो डिक्लेयर हो चुकी है, 16 अप्रैल से आपका ये एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो पहले आपका पीसीबी का ग्रुप होगा, उसके बाद आपका पीसीएम का एग्जाम होगा, ठीक है। सो फ्रॉम 16 अप्रैल टू 2 मई ऐसे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पहले पीसीबी का होता है, फिर पीसीएम का होगा, या अल्टरनेट वो लोग चेंज भी कर सकते हैं, पहले पीसीएम का लेके फिर पीसीबी का भी ले सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि एग्जाम के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, तो अब हमको और कितना वेट करना चाहिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो सबसे पहली बात, 50-50 वाला जो रूल है, ये 50-50 वाला जो रूल है ना, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हर एक दिन छोड़ के एक दिन नए मिनिस्टर आते हैं, इंटरव्यू में कुछ तो अनाउंसमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखो, ये 50-50% वाला रूल 2024 के बच्चों के लिए अप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम को ही अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हैं, उसमें फॉर्म फिलिंग होगी, एडमिट कार्ड रिलीज होगा, तो नया रूल इंप्लीमेंट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि बोर्ड्स के भी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखो, जब तक इस वेबसाइट पे कुछ ऑफिशियली नहीं आ जाता, आपकी एक्चुअल ऑफिशियल वेबसाइट ये है, जब तक इस वेबसाइट पे 50-50 रूल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता,
तब तक आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए 50-50 रूल अप्लाई नहीं होने वाला है। और ये रूल नेक्स्ट ईयर से अप्लाई हो सकता है क्या मैम? क्योंकि इस साल जो बच्चे 11वीं में हैं वो 2025 में सीईटी देंगे। तो बेटा आप इस हिसाब से अपनी पढ़ाई करो कि रूल अगर अप्लाई हुआ तो भी आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होना चाहिए, आपका मेरिट नंबर कम नहीं होना चाहिए। तो होगा कि नहीं होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, लेकिन 2024 के बच्चे जो अभी 12th में हैं, जो अभी 5 महीने बाद सीईटी देंगे, उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अभी देखो आपके पास एग्जाम के लिए बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, लुक हियर, एग्जाम के लिए बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अभी बोर्ड्स कब होने वाले हैं, बोर्ड्स का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। आपका जो HSC एग्जाम है, लुक हियर, आपका जो HSC का एग्जाम है इसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, 21 फेब को ये एग्जाम होगा। और ये एग्जाम समझो अगर आप बायो वाले हो तो 5-6 मार्च को खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बायफोकल सब्जेक्ट है तो ये एग्जाम 15-17 मार्च तक चलेगा। तो 21 फेब से लेके समझ लो कि 16 मार्च तक आपका ये एग्जाम चल रहा है। तो उसके बाद 16 मार्च से लेके 16 अप्रैल तक आपके पास सिर्फ 1 महीना बचेगा MST CET की प्रिपरेशन करने के लिए। और इस 1 महीने में फिर आप स्ट्रेस लेके बैठ जाओगे कि पढ़ाई कैसे करें। इसीलिए एकदम एंड मोमेंट के लिए मत वेट करो। देखो JEE, NEET और CET, इन तीनों एग्जाम में से CET का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि CET का पूरा सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का होता है। CET का सिलेबस क्या है, CET का मार्किंग सिस्टम क्या है, CET का वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर कौन से सब्जेक्ट में से आते हैं, इन सब के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हैं। आपको सिर्फ टाइटल डालना है और ज्ञान लैब डाल के सर्च करना है, तो आपको CET का सिलेबस, CET का पेपर पैटर्न, CET का मार्किंग सिस्टम, CET का वेटेज सब पता चल जाएगा। तो अभी देखो अभी टाइम कितना बचा है आपके पास, आज समझो 21 अक्टूबर हो गए, तो 22 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये आपके 10 दिन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने ये हो गए, फरवरी का 1 महीना, मार्च में पूरा, फरवरी में पूरा एग्जाम होगा, फिर मार्च का महीना, आपके हाथ में 4-5 महीने बचे हैं अपना CET का स्कोर इम्प्रूव करने के लिए और अपना बोर्ड्स का स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अभी से, अभी बहुत सारे बच्चों के कॉलेज में सेमिस्टर एग्जाम चालू हो जाएगा, फर्स्ट प्रीलिम चालू हो जाएगा, तो आप लोग अभी से अपना बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट इतना कड़क बनाओ, आप लोग अभी से अपने बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट इतना कड़क करो कि आपको CET के लिए आपका बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि CET के लिए आप सिर्फ रिवीजन भी अगर करो तो भी आपके लिए वो भरपूर हो जाए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि आपकी CET की प्रिपरेशन अच्छे करने के लिए, जो बच्चे CET देना चाहते हैं उनके लिए हमने ज्ञान लैब का ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप पे हम आपके लाइव लेक्चर लेते हैं। इस ऐप पे आपके MST CET के लिए लाइव लेक्चर लिया जाता है। तो जिन बच्चों को बोर्ड्स में, बायो में अच्छा प्रिपेयर करना है, CET में अच्छा स्कोर करना है, वो लोग ये ऐप डाउनलोड करो। इस ऐप में जो MST CET का लाइव कोर्स बैच है वो बैच ज्वाइन करो, क्योंकि इस बैच में ऑलरेडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म होने वाला है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन खत्म हो चुका है, ऐसे हैवी वेटेज चैप्टर्स हम पहले लेंगे, बाकी के लाइट वेटेज चैप्टर्स लेकर हम फरवरी में आपका पूरा 12th का बायो का पोर्शन खत्म कर देंगे। तो आपका बोर्ड्स का भी एक सिलेबस हो जाएगा, MST CET के लिए भी आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। इस बैच में हम बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस कराते हैं, DPP टेस्ट सीरीज लेते हैं, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है, डाउट सॉल्व किए जाते हैं आफ्टर द लेक्चर। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई का अननेसेसरी स्ट्रेस लेके फायदा नहीं है, बुक खोलो, लेक्चर देखो और पढ़ो, बस इतना ही करना है। और अगर MST CET सीरियसली देना चाहते हो तो प्लीज MCQ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आपको कोई टीचर रेडीमेड क्वेश्चन दे देगी तो आप MST CET क्रैक कर लोगे, ऐसा नहीं है। MST CET इज योर एंट्रेंस एग्जाम, जो आपको आएगा तो ही क्रॉस होगा, तो ही क्रैक होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और प्लीज इधर उधर के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और इंटरव्यूज देख के कंफ्यूज मत हो जाओ कि आपके लिए 50-50 रूल आ रहा है। 50-50 रूल आप लोगों के लिए नहीं है, 2024 के बच्चों के लिए नहीं है जो अभी 5 महीने बाद एग्जाम देने वाले हैं। 50-50 रूल अगर आया तो भी ये नेक्स्ट बच्चों के लिए होगा। इसलिए इस साल गलती से भी खुद को ड्रॉप मत लगने देना, मतलब कम से कम 45% होना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए,
ओपन कैटेगरी के लिए कम से कम 45% और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40% इतना मार्क्स आना चाहिए तो ही आप सीईटी के लिए एलिजिबल हो, मतलब एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। अगर इससे कम आया तो आपको यह रिपीट करना पड़ेगा, अगर आपने रिपीट किया तो आपके लग जाएंगे, क्योंकि फिर हो सकता है 50-50 रूल आ जाए। तो प्लीज इस साल बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से पढ़ो, सीईटी के लिए भी अच्छे से तैयारी करो, ताकि आपकी लगे ना और आपके एग्जाम्स भी क्रैक हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। चलो, और भी अगर कोई डाउट रहेंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हमें टाइम मिला तो हम रिप्लाई करेंगे, नहीं तो हम उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ज्ञान लैब विशेस यू वेरी मच ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, प्लीज हेल्थ का ध्यान रखो, महाराष्ट्र का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। और हमारा ऐप डाउनलोड करो, ऐप में आपको फ्री मटेरियल भी दिया गया है, यहाँ पर आपको साइंटिस्ट के नेम्स की पीडीएफ दी गई है, पीवाईक्यूज दिया गया है फ्री में, तो ये आप ऐप डाउनलोड करके पीवाईक्यूज वगैरह भी यूज कर सकते हो। और अभी दशहरा स्पेशल ऑफर चल रहा है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, दशहरा के दिन ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आपके लिए डिस्काउंट ऑफर चल रहा है दशहरा स्पेशल, जल्दी जल्दी जाओ ऐप डाउनलोड करो। जिनको कोर्स ज्वाइन करना है और पैसे बचाने हैं तो फटाफट से कोर्स ज्वाइन करो, किसी चीज के लिए डिले मत करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।